और अब बात करते हैं रीवा जिले की, जहां पैसेंजर गाड़ियों को जल्द चलाने, रेलवे के निजीकरण को रद्द करने, रेल संपत्तियों को बेचने का निर्णय वापस लेने सहित अन्य मांगों का ज्ञापन भारतीय किसान मजदूर यूनियन के सहयोगी संगठन ने स्टेशन प्रबंधक के द्वारा प्रधानमंत्री मोदी के नाम सौंपा है। भारतीय किसान मजदूर यूनियन के सहयोगी संगठन के संयोजक ईश्वर चंद्र त्रिपाठी द्वारा रेलवे मोड़ के पास 2 दिवसीय सांकेतिक धरना दिया गया है। उन्होंने कहा, देश में 10,000 स्टेशन हैं और हर जगह जाकर जनता को जागरूक करना है। उन्होंने चेतावनी दी है कि मोदी सरकार अगर पैसेंजर ट्रेन को नहीं चलाती है, सरकारी संपत्तियों को बेचना बंद नहीं करती है, तो देश की रेल को जाम कर देंगे। उन्होंने बताया कि 2 दिवसीय सांकेतिक धरने के बाद रीवा से जबलपुर के लिए पद यात्रा करेंगे। इस धरने में उन्होंने मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उनकी कुछ स्थानीय मांगे हैं, जिसमें सिमरिया होकर मानिकपुर रेल लाइन बिछाई जाए, वहीं रीवा से चिरमिरी पैसेंजर ट्रेन जो अब तक बंद है उसे दोबारा चलाई जाए, बघवार से कैमोर तक रेल लाइन बिछाकर सीधे कटनी तक रेल लाइन चलाई जाए आदि शामिल है। इस सांकेतिक धरने में अजय खरे, दीपक, दयाशंकर, दीनानाथ और कुछ समर्थक शामिल रहे। आइए सुनाते हैं भारतीय किसान मजदूर यूनियन के सहयोगी संगठन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ईश्वर चंद्र त्रिपाठी ने अपने समर्थकों के साथ क्या कहा है। जो आंदोलन चल रही है, ये किस मुद्दे को लेकर चल रही है आंदोलन? ये जब से यहाँ पर देश में मोदी की सरकार आई है, तो सरकार की जगह उसने व्यापार शुरू कर दिया है और जनता ने उस पर भरोसा किया, इस बात पर कि मैं देश नहीं बिकने दूंगा, सौगंध देश की मिट्टी की, मतलब इस मिट्टी की, उसने नारा दिया था देश में चुनाव लड़ने के पहले, PM बनने के पहले। जनता ने विश्वास किया, उसको प्रचंड बहुमत दिया, जिसको जानते नहीं थे उसको दिया, मोदी मॉडल के नाम पर दिया। लेकिन मोदी मॉडल क्या है अब सामने आ रहा है, मतलब पूरे देश की संपत्ति, देश के सारे संस्थान, देश की सारी जो जनता की मेहनत से बनाए हुए, मतलब पूरा सिस्टम है, उसको बेच करके किसी बनिया को दे दो। अभी तो देखने को ये मिल रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काम से काफ़ी लोग खुश नज़र आ रहे हैं, काफ़ी लोग मतलब खुश हैं उनके कामों से कि नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अच्छा काम कर रहे हैं। उनको आवाज़ दे दिया है, सरकार में बैठ करके लोगों ने अच्छा काम नहीं किया, लोगों को लालच दिया, प्रलोभन दिया। दक्षिण में पहली बार लोगों ने कहा कि हम आपको TV देंगे, हम आपको 1 रुपये किलो चावल देंगे। NT रामा राव की सरकार ने वहाँ पर जो कार्यक्रम चालू किया, वही कार्यक्रम पूरे देश में चला। केजरीवाल ने वही कार्यक्रम दिल्ली में चालू किया और उसी कार्यक्रम को BJP कर रही है, वो कुछ काम नहीं कर रही है। अर्थव्यवस्था पूरे देश की चौपट है, देश में कोरोना को आना नहीं चाहिए। जनता मूर्ख है, वो नहीं समझती ये बात को। ये कहते हैं 2 गज की दूरी मास्क है जरूरी, तो कोई भी रेलगाड़ी चीन जाती है क्या आप बता दीजिए? कोई बस हमारी चीन जाती है क्या बता दीजिए आप? जो भी हवाई जहाज आता है, हवाई जहाज में बैठ कर जो भी आदमी आता है, बिना सरकार की परमिशन के, बिना गृह मंत्री के परमिशन के, बिना विदेश मंत्री के परमिशन के, इस देश में नहीं आ सकता और इस देश से बाहर नहीं जा सकता। तो जब आपको पता है कि उस आदमी को कोरोना है, तो आपने वुहान के मुसलमान को मरकज दिल्ली कैसे आने दिया? और सबसे ज़्यादा कोरोना कहाँ था पूरे देश में? दिल्ली में। और वही दिल्ली की मरकज के जो भी कोरोना कैरियर थे, वो जब आपने उनको भगाया, तो एक धाराजी पहुँच गया, एक देवबंद पहुँच गया, एक भोपाल की मस्जिद में पहुँच गया। और सबसे ज़्यादा कोरोना कहाँ हुआ? भोपाल में हुआ, इंदौर के मुसलमानों के बीच पहुँच गया, इंदौर में हुआ। ये पूरे प्रधानमंत्री की साजिश है कि देश को कोरोना में झोंक दो, देश की रेल को बंद कर दो और उसको घाटे में दिखा करके इस देश की रेल को बेच दो। हमने तुमको देश चलाने के लिए दिया, रेल चलाने के लिए दिया, सरकार चलाने के लिए दिया, ठेके पर दिया है 5 साल के लिए, और तुमने प्रलोभन दे करके, जानते हो इस देश की जनता मूर्ख है, लालच में बिक जाती है, दारू में बहुत मतलब जो है वोट देती है, तो क्या माना जाए? दारू पीने वाला मतलब समझदार आदमी, और उसके ठप्पे से जो सरकार बन रही है वो अच्छा काम कर रही, क्या मान लिया जाए? देश की आज़ादी के लिए अंग्रेज़ों के भी बहुत सारे गुलाम थे, हमारे हिंदुस्तान में देश के गुलाम लोग थे, और जितने व्यापारी थे सब गुलाम थे। भाजपा की पार्टी के जो बड़े लोग हैं वो सब किसके गुलाम थे? अंग्रेज़ों के गुलाम थे। इन्होंने समझौते किए, इन्होंने दस्तखत किए, माफीनामे दिए और उसके बाद जेल से बाहर आए। वहीं पर चंद्रशेखर आज़ाद, शहीद भगत सिंह,
ऐसे तमाम लोग नेता जी सुभाष चंद्र बोस पूरी जिंदगी अंग्रेजों से लड़े, उन्होंने समझौता नहीं किया, उन्होंने कुर्बानी दी। इनमें से बीजेपी का एक भी नेता बता दीजिए जिसने देश के लिए कुर्बानी दी हो। देश का गरीब आदमी, किसान आदमी, मजदूर आदमी आज रोजी रोटी से बंद है। रेल बंद होने से, पैसेंजर गाड़ी बंद होने से और पैसेंजर को एक्सप्रेस कर देने से आज जो देश में लूट हो रही है, जो पेट्रोल का दाम बढ़ गया, डीजल का दाम बढ़ गया, महंगाई बढ़ गई, गैस का दाम बढ़ गया, एक रुपये गैस का सिलेंडर का दाम बढ़ता था तो सिलेंडर लेकर बैठ जाते थे। कहाँ गई स्मृति ईरानी, कहाँ गया अरुण जेटली? तो आपका ये कहना है कि फिर से अंग्रेज के फिर से देश गुलाम होने वाला है। देश की जनता को इन्होंने एक अफीम दे रखी है, उस अफीम के द्वारा देश कहता है मोदी अच्छा काम कर रहा है। मोदी का काम क्या है कोई बता दे मुझे, केवल गेहूं दे रहा है, अच्छा काम हो तो बता दीजिए। मकान दे दिया, मकान वालों ने वोट दे दिया, अच्छा काम है। दारू पिला रहा है, इलाहाबाद स्टेशन में कभी दारू की दुकान नहीं थी, संगम है पूरे देश का नहीं दुनिया का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है संगम, प्रयाग तीर्थों का राजा प्रयाग है। वहाँ पर रेलवे स्टेशन में एक भी दारू की दुकान नहीं थी, आज तीन तीन दारू की दुकान अगल बगल खुली है योगी के राज में। भगवा के नाम पर ये कलंक आदमी है, इसने दारू की दुकान इलाहाबाद में खोल दी। स्टेशन में पहले आप दारू पीजिए फिर गंगा जी का स्नान करिए, पहले दारू स्नान करिए फिर गंगा का स्नान करिए। जहाँ पर बाबूलाल गौर ने पूरे मध्य प्रदेश में तीर्थ स्थानों को पवित्र स्थान घोषित करके वहाँ पर दारू और मांस बिकना बंद किया था, यहाँ पर योगी क्या कर रहा है? तो पहली सरकार जो अटल जी के समय की सरकार थी, जो अटल जी के समय के नेता लोग थे, उनका डर था लोगों में और उस डर की वजह से लोग जनता के लिए काम करते थे। लेकिन मोदी के नाम पर सब निरंकुश हो गए हैं। जीत की गारंटी मोदी, क्योंकि मोदी को व्यापार करना आता है। अच्छा, जापान आया कि नहीं? अभी आया है जापान। ज्ञापन तो हमारा बन गया है, ज्ञापन हम सब जनरल देते हैं, ज्ञापन हमने आपको दिया है लोकल में, जो हमको ज्ञापन देना है। मोदी कहता है सबका साथ सबका विकास। अभी तक 15 साल 20 साल से बीजेपी के यहाँ पर